मलिका, तुम मुझे इस पार्टी में क्यों ले जा रही हो? मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे बेला, जो मैंने कॉम्पिटिशन में तुम्हारी पोयम सुनाई थी ना, वो आदि की मॉम को बहुत पसंद आई एंड शी वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, इसलिए तो मुझे पार्टी में इन्वाइट किया। अब अगर उस पार्टी में उन्होंने तुम्हारे उस इमेजिनरी परी और राक्षस के बारे में मुझसे कुछ पूछ लिया तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता है ना, देन मैं तो फंस जाऊंगी, इसलिए तुम्हें साथ में ले रही हूँ। मैसेज के थ्रू थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट तो कर सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन मैसेज तो मैं तुम्हें घर पे से भी कर सकती थी ना। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? राइट रन्स की पार्टी है, द होल टाउन पीपल आर डाइंग टू गो टू दैट पार्टी। पर मलिका मैं तो यार, मेरी वहाँ पे इज्जत खराब होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? पर जहां तुम्हारा खून गिरेगा तुम वहीं दफन हो जाओगे। यहीं पर धरती फटी और वो राक्षस उसमें समा गया। अरे किसने एक्सीडेंट किया इसको? देखो अंकल, आप ठीक है ना? अरे वो भाग रही है। अरे नंबर नोट करो उसका जल्दी। ढूंढने के लिए हम गरीब लोग ही मिलते हैं तुम लोगों को। मैं गाड़ी नहीं चला रही। अंकल आप रुक जाइए, आप रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। बच्ची की फीस, घर का खर्चा, अब ये सब कैसे? सब बर्बाद हो गया, 8,000 का नुकसान। आप फिक्र मत करिए, आपको आपके 8,000 रुपए मिल जाएंगे। हाँ क्या, आपको कैसे पता चला मेरा 8,000 का नुकसान हो गया? वो मैं इतना सारा सामान गिरा है तो मैंने अंदाजा लगाया कि करीबन 8,000 रुपए तो होंगे ही ना। आपको चोट भी लगी है ना? ये सब रख दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप पहले डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ, ठीक है? आप फिक्र मत करिए। बेकाबू बीला, मैं कब से पार्टी में पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पे हो? मलिका, मैंने अंकल को क्लिनिक में एडमिट किया है, उनके लिए दवाई लेने आई हूँ। तुम्हें उन्हें ऐसा छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। I was really scared, yeah. अच्छा, by the way, वो तुम्हारे ओल्डी गोल्डी काका ठीक तो है ना? हाँ। तो तुम एक काम करो, जल्दी से पार्टी में आ जाओ। ओके, आदि की मॉम के सामने मेरा इम्प्रेशन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। कम फास्ट। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं पहले अंकल को दवाई दे देती हूँ फिर आती हूँ। ओ मिस्टर रायचंद, आई सॉ यू ऑन दैट डे। क्या फास्ट जॉगिंग करते हैं आप, इसीलिए आज भी आप काफी यंग शंग हैं। हेलो, आपके अंकल जॉगिंग नहीं मुझसे डर के भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरी फेवरेट कार बैंक कर दी थी। कार बैंक कर दिया? कम रानव, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मैं बताता हूँ, इसने एक लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने इसे मार मार के डिस्पोज कर दिया, है ना? मलिका कहाँ थी तुम, कब से वेट कर रहा था?
इसने तो मुझे जख्मी कर दिया। किसकी तस्वीर है ये? ये मेरे अंकल की है। आई नो इस तस्वीर का चेहरा थोड़ा खराब हो गया है, बट फैमिली के सेंटिमेंट्स है इसके साथ, इसलिए रखी हुई है। इसकी फ्रेम बन गई है, लगा दो। और तुम? वो मैं मलिका की। ओ, तुम मलिका की मेड हो? यार ये मेड नहीं, मलिका के पापा की मैनेजर की बेटी है। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, खाना वहाँ पे लगा, खा के जाना। नो थैंक यू, मुझे ना ही आपके खाने में इंटरेस्ट है और ना ही आपकी पार्टी में। किसी काम से आई हूँ, करके चली जाऊंगी। सुनो, वो वॉशरूम कहाँ पर है? यहाँ से सीधा सामने सीढ़ियों के ऊपर से ही है। जी। आदि सीरियसली मेरी बात को समझो ना, रास्ते में सीरियसली मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और गलती से तुम्हारे जो अंकल का स्टैचू है ना वो बैंक हो गया। आई होप तुम्हारी मॉम मुझे कुछ कहेंगी। अरे अंकल का स्टैचू था तो इट्स ओके, अगर किसी और का होता जिसे वो बहुत प्यार करती हैं तो तुम्हें वो जिंदा खा जाती। मोहन आदि, अपनी मॉम के बारे में कोई ऐसी बात करता है क्या? वो तो वैसे भी कितनी स्वीट सी है। पर आदि, ये तो बहुत दुबली पतली है, मैं तुम्हें नहीं खा पाऊंगी। अरे मजाक कर रही थी। वैसे वो राक्षस की ड्राइंग तुमने कैसे बनाई थी, कहाँ देखा? परी और राक्षस की कहानी कहाँ सुनी? वो पोयम कहीं भी नहीं, एक्चुअली वो मैंने खुद लिखी थी, मेरी अपनी इमेजिनेशन है, कहीं नहीं देखी। अब वन सेकेंड, डैड का कॉल है, आई हैव टू टेक दिस। ये पीला कहाँ है? उसे ही देना था इन सवालों का जवाब। ये लड़की हमसे जरूर कुछ छिपा रही है। इसके मुंह से इसके दिल का राज बाहर ला। ये हम राक्षसों को कैसे जानती है, और स्पेशली मेरे भाई प्रथम और राजपरी की कहानी इसे कैसे पता? I don't think so, से ये सब पता है। ये सब coincidence भी तो हो सकता है। अच्छा, तुझे ये इत्तेफाक लग रहा है? ये राक्षसों की drawing बनाती, कहानी सुनाती और तुझे इत्तेफाक लग रहा है? जा और राज बाहर निकाल। लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? चोर हो क्या? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? अरे ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? आप क्या मेहमानों को चोर समझते हैं? सालों पहले भी हमारे यहाँ एक मेहमान आई थी, एक खूबसूरत तूफान सब कुछ तबाह करके चली गई। मैं वो वॉशरूम के लिए। वॉशरूम वहाँ है। इतने रईस घर में कोई इतना पुराना ताला क्यों लगाएगा? बड़ी अजीब बात है। आरपी, यहाँ ऐसे तीन ताले और लगवा दो। इस दरवाजे के पीछे हमारे अतीत के ऐसे रास्ता बने जो अगर बाहर आ गए तो कहर टूट पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम मलिका है? वो मैं रानव, हम लोग एक ही कॉलेज में हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कौन है? मैं वो आदि का कजन हूँ, दूर का, है ना? मलिका, कुछ कह रहा था ये? Something, 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 कुछ तो कह रहा था, I don't know. क्या बोल रहा था वे? नहीं, प्यार करता है इसको? नहीं। मैं कब से तुझे देख रहा हूँ, इसे ताड़े जा रहा है। नहीं भाई, फाड़ दूंगा, समझा? क्या कर रहा है यार, सब देख रहे हैं, तुझे पता है ना सब इसके नाम पे है। अच्छा चल हट, चमचा कहीं का, यहाँ जो है सब हमारा है, चल भाई चल। कहाँ भाई?
भाई मुझे छोड़ दो। अच्छे से करो, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए, ठीक है? और तुम ओके? अन्विता हाँ, तू यहाँ? वो मेरे पापा ना इस पार्टी की केटरिंग संभाल रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प करने आई हूँ। ओह, तू ये पीना जूस। आज मैं मरते मरते बची, मैं सर्व करके आती हूँ, ठीक है? अन्विता हाँ, क्या हुआ, तू ठीक है ना? अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गर्लफ्रेंड के क्लोज जाएगा, उससे बात करेगा, कल की मार भूल गया क्या? रुक, बस को ना, मैं देखता। देखो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैं तो बस बात कर रहा था। भैया मैंने उस जंगल में कुछ बहुत अजीब सा देखा, वो ना तो वो इंसान थे ना तो वो जानवर थे, कुछ अजीब से ही थे। उनके ये बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े हाथ, डरावनी आंखें। कौन हो सकते हैं ये? मलिका, मेरे भाइयों को बताओ ना, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा था, इन्हें गलत फहमी हो रही है। और अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं आपसे कोई बात भी नहीं करूंगा। इट्स ओके आदि, इजी 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 मलिका। मैंने कुछ बैठो भैया, सॉरी मैंने कुछ। अच्छा ठीक है, नीचे बैठ। मलिका पैर ऊपर रखो। मलिका की जुत्ती को सॉरी बोल। तू तो मलिका के चेहरे को देखने के लायक भी नहीं है, सॉरी बोल। बोल दो आदि, इट्स ओके, लेट इट बी। इट्स ओके मलिका, वेट, प्लीज बोल ना सॉरी। बोल सॉरी, सॉरी। नो, इस पार्टी से ना दूर रहियो, नहीं तो तुझे तेरी लाइफ से दूर कर दूंगा, समझा? क्या ऐसा है? तो वो लड़की हमारे लिए खतरा है। मैं आता हूं। पीला, मुझे घर लेके चलो। चलो ना, मुझे घर लेके चलो, और मेरे सर में भी बहुत दर्द कर रहा है। पीला चलो यार, तू अपना ख्याल रख। वन सेकेंड, वो लड़की जिसे तुम लोगों ने जिंदा छोड़ दिया था, बवाल मचा रखा है जंगल में। उसने क्या देखा? पुलिस छानबीन कर रही है, इससे पहले वो हम तक पहुंच जाए मार दो उसे, और इस बार वो ना बचे। अन्विता जंगल में उन अजीब से भयानक से दिखने वाले क्रिएचर्स के बारे में बात कर रही थी, जो मेरी ड्राइंग्स से मिलते जुलते हैं, पर मेरी ड्राइंग्स तो सिर्फ एक कल्पना थी, तो ये असली में कैसे? अन्विता की बातों में मुझे लग रहा था कि सच्चाई है। तू क्या राक्षस सच में होते हैं? बेटे आप रायचंद सर के यहाँ काम कर रहे हो ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? चाय लीजिए। हाँ ले लो, ले लो चाय ले लो। सुनिए, समोसे बहुत टेस्टी हैं। आपके पापा ने बताया कि आपने बनाए? नहीं सर। बेला तो सुन रही है ना? यार तेरा आइडिया अच्छा है, कल से हम दोनों साथ ही कॉलेज आएंगे जाएंगे। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तो मेरी चिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। I don't know what to do. लगता है ये किसी को हमारे बारे में बता रही है।
कहीं हमारे राक्षस होने का पोल तो नहीं खोल रही? कोई तो है जो इसके साथ ना होकर भी हर पल इसके साथ है। सुन, तू अकेले घर मत जाना जी। अगर इसका साथ इसका बाप हुआ तो वो अपने बाप के साथ घर जाएगी, फिर हम इस पे हमला कैसे करेंगे? हमला नहीं करना फटू, इसको जान से मारना है, वो भी ऐसे कि पुलिस को हम पर शक ना हो। वैसे बेला, तेरे घर पे मेहमान आया ना, कौन है वो मेहमान? पता नहीं यार, पापा के कुछ दोस्त आए हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनिए, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आपको समोसे अच्छे लगे ना? एक्चुअली मैंने नहीं बनाया है, पापा ने आपसे झूठ बोला, वो तो नथुराम हलवाई वाले के यहाँ से आए। आपकी सादगी और ईमानदारी देख के ना मैं फिदा हो गया आप पे। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। पापा, आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। पापा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? पापा, आपको तो पता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ाई करके कहा तुम्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है? पापा, पापा मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनूंगी, पर मैं कुछ ना कुछ तो बन जाऊंगी। मेरा सपना है कि मैं पढ़ाई करूं, एक अच्छी जॉब करूं। तू जॉब नहीं करेगी, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे। इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलता है। अरे पता है राजन की शराब की फैक्ट्री पर वो मैनेजर की पोस्ट पर है। पापा, किसी दिन मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करूंगी, आप देखना। हमारा जो जवाई है ना, वो हमें शादी के बाद मुफ्त की शराब पिलाएगा। कैसे बाप है आप? मुफ्त की शराब के लिए आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं? पापा, पापा। कुछ तो गड़बड़ है बेला के घर पे, जाके देखती हूँ। चलो, पंछी उड़ गया, इसको उड़ाते हैं। चलो। पापा, अगर तुमने शादी के लिए मना किया ना तो ये हाथ तुम्हारी माँ को मारने के लिए उठेगा। पापा नहीं। लगता है लड़की ने तुझे पसंद नहीं किया, अंदर तोड़फोड़ तमाशा चल रहा है। इस बार तो अच्छा लड़का मिला है, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी किसी लड़के से नहीं, किसी राक्षस से करवा दूंगा। तेरी माँ को तो छोड़ूंगा नहीं, शादी के लिए हाँ कह दे, समझी? के पीछे क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, बेला ने हाँ कह दिए, मुबारक हो, लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दी है। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। अरे मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए। आप लीजिए थोड़ा सा और। भाई साहब, शादी पक्की हो ही गई है जी। तो क्यों ना धूमधाम से कर दी जाए? जरूर है? जरूर। आप तो जानते ही हैं धूम मतलब। आप कपड़ा जेवर ये सब तो करेंगे ही, शादी के बाद हम दोनों का थाईलैंड का टूर पैकेजिंग भी ले लीजिएगा। क्या कहते हैं? शादी तो 5-स्टार होटल में तो करेंगे ही ना, हम उम्मीद करें ना।
हाँ हाँ बात चल रही है तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए ना। देखिए मेरी कार का लोन है, उसका EMI आप चुका दीजिएगा। एक बार गाड़ी लोन फ्री हो गई तो आपकी बेटी ही लोन फ्री गाड़ी में घूमेगी ना। देखिए हम लोग शादी बहुत अच्छे से कर लेंगे लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती। चलिए मम्मी विजय, जब हम लेन देन का भावताव कर रहे थे तब तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? उसका बाप मान गया था ना? माँ आपने शायद गौर से नहीं देखा लेकिन मैंने सब कुछ गौर से देखा। बेला भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। जब वो अपने माँ बाप से अंदर बात करने गई थी तभी मैं समझ गया था कि बेला ना नहीं कर पाएगी। अगर मैं मना नहीं करता ना तो बेला कभी मना नहीं कर पाती, और इसीलिए उसके तरफ से मैंने मना किया। माँ माँ देखिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, पर ये रिश्ता प्यार का होना चाहिए, कोई सौदा नहीं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया मां, मैं लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लूंगा। तुझे जो करना है कर। एक मिनट, मैंने सब कुछ सुन लिया। बेला जी, I'm really sorry, मेरे माँबाप के expectations कुछ ज़्यादा ही गलत थे। But I truly wish you all the best. आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, आपको सब मिले। All the best. देखिए, शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, आपसे नहीं तो किसी और से। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? इस बार तो अच्छा लड़का मिला है लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी किसी लड़के से नहीं किसी राक्षस से करवा दूंगा। मतलब मैं ज्यादा टाइम के लिए शादी के लिए ना नहीं कर पाऊंगी, और मैंने आपको जितना भी जाना है आप एक अच्छे इंसान लगे हैं, तो मेरी तरफ से भी इस शादी के लिए हाँ है। What? लेकिन मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, अपनी माँ की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको ये सब मंजूर है तो मुझे भी ये शादी मंजूर है। ऑफ कोर्स मंजूर है। ये तो वो राक्षस नहीं। ये तो अन्विता की बाइक है और ये मेरे भाइयों की गाड़ी, कहाँ है? प्लीज हेल्प, कोई तो बचाओ। अन्विता कहाँ हो तुम? आदि भैया युदेश नाथ, उस लड़की को कुछ मत करना प्लीज। ये स्टूपिड राणा, ये यहाँ कैसे आ गया?
ये तो रायचंद। फोन करेगी, चीर देंगे। आदि रुक जाओ। आदि आदि ये गलत है, छोड़ दो इसे। तुम नहीं जानते ये कौन है। ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। मैंने इनका असली चेहरा देख लिया। युदित, तू इस लड़की को देख। देखना बचनी नहीं चाहिए। मैं रणव को देखता हूँ। नहीं, तेरी रणा। जाओ भागो। युदित, लड़की को पकड़। नहीं 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 युदित, युदित नहीं। तू भगाएगा लड़की को, भगा। अरे रुक, बच के कहां जाएगी। नो 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 नो, नो। वो लड़की खाई में गिर गई। क्या? शायद मर गई। और अगर ना मरी हुई तो? अगर वो जिंदा बच गई तो? और अगर ये राणा ने सच बोल दिया तो? ये बोलेगा, ये मुंह खोलेगा। मर दिया उसे। वो बनेगा? मुझे लग रही है। प्लीज प्लीज मुझे और मत मारो, छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दे? तेरी वजह से लड़की चली गई। तुझे छोड़ दे प्लीज। तुझे लड़ना है ना? नहीं, मार। नहीं है पर जान लेके भाग रहा है। पापा मुझे बचा लो पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे।
ये तो मर गया। क्या? हट 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 हट। हमने इसे इतना नहीं मारना चाहिए था यार। हमने नहीं मारा यार। रणव चल चल चल। मैं जानती हूँ तुम नहीं मरोगे, क्योंकि राक्षस कभी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें धरती के नीचे दफन कर दूंगा, इस धरती पर जहाँ तुम्हारा खून गिरेगा। तुम वहीं दफन हो जाओगे जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे किसी अपने का शरीर न मिल जाए। तब तक तुम्हारी आत्मा धरती के नीचे भटकती रहेगी। से कैसे छिपा था? मॉम हम क्या करते? उसने हमें उस लड़की पे हमला करते हुए देख लिया था। अगर हम उसे जिंदा छोड़ देते तो वो हमारी सच्चाई सबको बता देता। इतनी मुश्किल से हम लोगों ने अपनी पहचान छुपा के रखे कि हम लोग राक्षस हैं। और मैं राक्षसी यामिनी गजकामिनी। कितनी बार बोला है तुम लोगों को, ये सारी प्रॉपर्टी उसके बाप की है। उसके 21वां सालगिरह के बाद सारा उसके नाम हो जाएगा और फिर हम साम दाम दंड भेद जो भी करना होता करते, उससे उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते। पर अब सब ट्रस्ट में चला जाएगा और हम इस घर से बाहर। उससे प्रॉपर्टी लेनी थी तो उसे जिंदा रखना था। उसकी लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? कहाँ है उसकी लाश? वो शायद पुलिस ले गई।
किसी जानवर ने खा लिया होगा। जानवरों को हम राक्षस खाते हैं, राक्षसों को जानवर नहीं। बेटा, बेटा, दरवाजा खोलो। अंकल आप यहाँ क्या हुआ? बेटा अन्विता कॉलेज से निकली, अभी तक घर नहीं पहुंची, यहाँ तो नहीं आई। नहीं अंकल, यहाँ तो नहीं आई वो। हे भगवान, कहाँ गई होगी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम साथ में मिलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ, चलो। यामिनी जी, चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन रानव की लाश कहीं नहीं मिली। मॉम, पुलिस हम पे शक करे, इससे पहले हम पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवा दे। अरे वाह 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 वाह, आज इतनी जल्दी जल्दी मेरी फैमिली उठ गई। वैसे सुबह के 6 बजे हैं या शाम के? सुबह के। घर में क्या कुछ हो रहा है इनको कुछ पता ही नहीं है। पी रखी है क्या आदि मानव? लिसन योर एक्सपायरी डेट, रानव गया। रानव मर गया। वैसे डार्लिंग मैंने नहीं, तुमने पी रखी है। रानव अपने कमरे में आराम से सो रहा है।